नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। आपने मेरा पौधा देखा कबूतर, कबूतरों ने इतने भी पौधे लगवाओ, जब वो छोटे होते हैं तो कबूतर आते हैं, गिलहरियाँ आती हैं और वो उन पौधों को खा जाती है, कोई पौधा चल ही नहीं पाता है। कबूतर भी अब समझ में नहीं आता कि कबूतर का दोष है, हमारा दोष है, किसका दोष है पता नहीं, पर खैर उसको एक जाल लगा दिया है तो अब कुछ दिन प्रोटेक्टेड रहेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद फिर कबूतर या कोई भी स्क्विरल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे पूछा, उसे स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, तो उसने मुझसे पूछा कि कुछ ऐसा योगा है जो वो कर सकता है स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। तो सबसे पहली बात कि अगर आपको कोई भी पेन हो रहा है इस तरीके का, तो उस पेन में आप कोई योगा आप नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपने जो दर्द है उसको आराम दें। तो बिना तकिया के आप अपने बेड से तकिया हटा दीजिए और किसी सख्त जगह पर, ज़मीन पर, तख्त पर या किसी ऐसी जगह जो कि हार्ड हो, उस पर लेटें बिल्कुल सीधा और अपने मसल्स को रिलैक्सेशन दें। तो ये बैक से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है एक, पर ये हमारी जब गर्दन या हमारे बैठने का पोस्चर ठीक नहीं होता है, अगर हम बैठ के बहुत देर तक काम कर रहे हैं, हमारी गर्दन झुकी हुई है, हमारी बॉडी पोस्चर झुका हुआ है, तो इस वजह से हमारे स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम आती है धीरे धीरे। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो छोटे छोटे ऐसे एक्सरसाइज जो आप रोज़ सुबह सो के उठते हैं तो आप अगर उनको परफॉर्म कर लें आधे घंटे के लिए, तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप स्पॉन्डिलाइटिस में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप अपने आप को सीधा बैठ सकते हैं, पद्मासन या सुखासन। तो अगर आप दोनों पैरों को फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर सीधे बैठे, पीठ कमर गर्दन सीधी, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स, गर्दन को सीधा, इसके बाद हम अपने गर्दन का मूवमेंट कर सकते हैं, ग्रीव संचालन जिसको हम योगा में बोलते हैं। ये एक्सरसाइज आप रोज करें, अपनी गर्दन को नीचे की ओर झुकाएंगे, अपने चिन को चेस्ट से टच करें, शुरुआत में नहीं होती है लोगों के, पर धीरे धीरे कोशिश करें जितना ला सकते हैं, अपनी पीठ को सीधा रखते हुए सिर्फ अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हुए पूरे अपने गर्दन को टच करने की कोशिश करेंगे और फिर वापस धीरे धीरे अपनी गर्दन को नीचे लगाएंगे और फिर वापस ऐसे करेंगे और फिर अपनी गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, अपने थ्रोट को पूरा स्ट्रेच करें, फिर वापस और फिर पीछे, फिर वापस सेंटर में। इसी तरीके से अपनी गर्दन को अपने शोल्डर्स के ऊपर झुकाने की कोशिश करें, फिर वापस, फिर अपने शोल्डर्स के ऊपर लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ मैक्सिमम स्ट्रेच देते हुए अपनी गर्दन को अपने शोल्डर्स तक लाने की आप प्रयास करते रहें धीरे धीरे। और फिर उसके बाद एक एक्सरसाइज है कि आप अपने पूरी गर्दन को गोल गोल घुमाएं, अपने कानों को अपने शोल्डर्स के पास तक टच करने का प्रयास करें, कोशिश करें कि आपके कान जो है वो आपके शोल्डर से टच हो जाएं। इसी तरीके से धीरे धीरे वापस उल्टी दिशा में, तो ये हो गया हमारी गर्दन से जो नसें हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जुड़ रही हैं, वहां से हम अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर लिया। इसके बाद हम अपने हाथों को पूरा शोल्डर सॉकेट जो है हमारा, ये जो पूरा शोल्डर सॉकेट है, इसका रोटेशन करेंगे, पूरे हाथों को लाएं आगे, अपने एल्बोज को टच करें पूरा ऊपर तक लाएंगे, कान से टच करें अपने बाइसेप्स को, पीछे पूरा स्क्वीज करते हुए अपने बैक को, फिर आगे फिर से टच करते हुए, और पूरा इसी तरीके से हम रोटेशन करते रहें अपने हाथों का 8 से 10 बार से धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे, और फिर इसी को उल्टी दिशा में अपोजिट तरीके से पीछे से आगे की तरफ 15 से 20 बार इसको भी कर लें। तो हमारे जो सर्वाइकल का पेन है इसके लिए सबसे अच्छा है। इसके बाद हम अपनी गर्दन को थोड़ा सा झटके के साथ दोनों तरफ, बहुत ज्यादा झटका नहीं देना पर आराम आराम से हल्के हल्के से झटके के साथ दोनों साइड में हम इसको कर सकते हैं। तो ये मेरी सेल्फी स्टिक है, ये सेल्फी स्टिक काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्टर्डी, काफ़ी मजबूत सेल्फी स्टिक है, ये भी मैंने अमेजन से ही मंगाई थी, और इसका ओरिजिनल मोबाइल होल्डर नहीं है, इसका मोबाइल
ओरिजिनल मोबाइल होल्डर, जब मैं उज्जैन गया हुआ था तो उज्जैन में टूट के गिर गया। का फंक्शन था बहुत ही पर ये मैंने अमेजन से इसका फिर से इसका मोबाइल जो हैंडल है ये मंगाया, बट ये बहुत ही रद्दी क्वालिटी का निकला। नट ये देखिए, इसका नट जो है ये निकल गया और ये इसी में रह जाता है। तो मोबाइल के इसमें लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि राह चलते जगह जगह पर ये गिरता रहेगा। अब फिर से कुछ दूसरा मंगाना पड़ेगा, या तो इसका कोई अच्छा सा मोबाइल होल्डर नया मंगाना पड़ेगा, या तो फिर इस चक्कर में पूरी सेल्फी स्टिक ही नहीं मंगानी पड़ेगी। चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक बटन दबाइए, जिसको ज़रूरत है, जिसको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है उसको शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।